हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ऑन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स, मेड बाय यू मेड फॉर यू। सो लेट्स नो स्टार्ट टुडेज लीट कोड प्रॉब्लम। आज के लीट कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनका प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को पता था कि अपन हर अल्टरनेटिव्स को ही ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिव्स को नहीं ले सकते। अगर जस्ट सपोज कि यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 1 के बाद में अल्टरनेटिव तो है इसका 3, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि इसको 1 को और इसको एड ऑन करने पे अपना बहुत बड़ा आंसर आ जाता, ठीक है। तो आप इस वाले टेस्ट केस को मिस नहीं कर सकते, आपको ऐसे टेस्ट केस को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हिंट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा इसके लिए सबसे बड़ा हिंट ये हो सकता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो आप इस पोजिशन पर खड़े हो, ठीक है, तो इस पोजिशन पे इसके ऑल्टरनेटिव का समय एडिशन कराने की जगह आप यहाँ पे कैसे प्रूव करवा सकते हो कि यहाँ तक में मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है अपना। अगर मैक्सिमम पॉसिबल कैसे आएगा, या तो इसके ऑल्टरनेटिव का सम कराओ और या फिर यहाँ पे जो आ रहा है ना उस वैल्यू और इस वैल्यू के अंदर मैक्सिमम ले लो, ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही थी। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना नम्स नाम का एक एरे था और अपने को आउटपुट में कुछ तो 4 दिया हुआ था, ठीक है, मतलब अपने को इसके ऊपर कुछ तो कंप्यूटेशन करनी है एंड फाइनली विल गेट द आंसर एज 4, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अपने को करना क्या है, अगर मोर ओवर द सिनेरियो अगर अपन समझे तो सिर्फ अपने को एक एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एडिशन कैसे हो सकता है कि कोई भी अपन ऑल्टरनेटिव या फिर जस्ट एडजेसेंट नंबर नहीं ले सकते, ऑल्टरनेटिव ले सकते हो या फिर उसके आगे भी ले सकते हो, लेकिन जस्ट एडजेसेंट नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे वही बोला था कि अगर अपन उसके वर्डिंग्स पर जाएं तो अगर एडजेसेंट हाउस को ड्रॉप कर लिया तो पुलिस विल भी ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्टेड, ठीक है। तो अपन एडजेसेंट को नहीं ले सकते, अपन या तो इसके ऑल्टरनेटिव को ले सकते हैं या फिर अपन इसके ऑल्टरनेटिव के आगे वाले को ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस इसके एडजेसेंट को नहीं ले सकते अगर अपन ने 1 को लिया है तो, ठीक है। ठीक है, वी गॉट द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि इसका 4 आंसर कैसे आया। तो बोला अपन ने कि देखो, एक तो अपन हो सकता है कि हाउस 1 को रॉब करे और एक हो सकता है हाउस 3 को रॉब करे, ठीक है, तो ये जस्ट एडजेसेंट है नहीं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों का कॉम्बाइन मनी कितनी होगी, बोला 4, सही है, मतलब बहुत सही बात है। अच्छा, अगर अपन इसको रॉब ना करके इसको करते, ठीक है, और इस हाउस को करते, क्योंकि इसके साथ में इसको तो कर नहीं सकते 3 वाले को, क्योंकि ये तो क्या हो गया, जस्ट एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो अगर अपन इस 2 वाले को करते और इस 1 वाले को करते तो 2 और 1 का एडिशन कितना होता, बोला 3, ठीक है, तो वो कितना आया 3 और ये कितना आया, बोला 4। तो अपन क्या करेंगे, अपन उन हाउसेस को रॉब करने की कोशिश करेंगे जिनका जो समय ना वो मैक्सिमम आए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब अपन इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि अपनी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है अपने लिए कि अगर अपने को इन दोनों का एडिशन करना है, सॉरी लेट्स टेक इट, हाँ अब इन दोनों का एडिशन करना है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है इन दोनों का ही हो सकता है इन दोनों का भी हो जाए एंड वाइस वर्सा, आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन हर ऑल्टरनेटिव्स का एडिशन करेंगे, मतलब इसका इसी के साथ में एडिशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपन इस यहाँ तक का मैक्सिमम स्टोर कराने चलेंगे कि बोला यहाँ तक के एडिशन से मैक्सिमम आ रहा था तो वो करवा लो, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमम आ रहा था। जैसे समझते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 2, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, अपन ने यहाँ पे क्या किया कि अगर अपन ये 1 लेते हैं तो अपन ये 2 नहीं ले सकते, इतना अपने को कन्फर्म्ड है, बोला हाँ। तो यहाँ तक के लिए मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, बोला अगर सिर्फ इतना ही आ रहा होता तो अपना मैक्सिमम होता 1, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ तक में अगर अपन है तो यहाँ यहाँ तक अगर अपने पास एरे होता तो आपको ऐसी बात है, अगर अपन 2 को ले रहे हैं तो 1 को नहीं ले सकते थे, ठीक है, और अपन 2 को ही लेंगे क्योंकि मैक्सिमम मनी अपने को इसी हाउस से मिलेगी, बोला ठीक है, तो अपने लिया 2। तो अगर यहाँ तक का अपने पास एरे होता तो अपने मैक्सिमम मनी कितनी हो सकती थी, बोला 2, सही बात है, हाँ। बोला अगर यहाँ तक का एरे था आपके पास में, ठीक है, तब बताओ, बोला यहाँ तक का था तो देखो 1 और 0, तो इसका तो एडिशन हुआ 1 और इसका हुआ 2, अगर अपन सिर्फ ये वाला हाउस रूफ करें तो इसका 2 आएगी मनी, ठीक है, तो बताओ क्या लेंगे अपन, बोला ऑफकोर्स से बताइए 2 वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का एडिशन की जगह, 0 और 1 के एडिशन की जगह अपन ने क्या स्टोर करवाया, 2, जो यहाँ तक की मैक्सिमम वैल्यू थी, समझ में आई, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया, बोला ठीक है। अब यहाँ पे 1 तक का भी अगर एरे होता तो अपन क्या स्टोर करवाते, बोला 1 तक का भी एरे होता तो ये 1 और 2 में, मतलब इसके जस्ट एडजस्टेंट वाला तो ले नहीं सकते, तो 0 तो लेंगे नहीं, तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है उस पर देखो कि उस पर मैक्सिमम वहां तक की रेंज के लिए मैक्सिमम क्या आया, तो बोले 2 आया था, तो 2 और प्लस 1 3, ठीक है, और यहाँ तक के लिए मैक्सिमम 3 था तो अपन ने 3 ले लिया, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपने पास ये पूरा एरिया होता तो बोले ठीक है, इसका जस्ट रिजल्ट वाला तो ले नहीं सकते, तो एक काम करो कि इसका ही अल्टरनेटिव चेक करो कि अल्टरनेटिव कितना है, बोले 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, बस हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 0 होता तो क्या था, बोला इसका अल्टरनेटिव वाला तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे अगर 0 होता तो अपन इसको देखते हैं यहाँ पे कितना है, बोला 2, तो 2, बोले नहीं यहाँ पे 0 है, बहुत बहुत सही बात है, मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अपना 2 था मैक्सिमम, ठीक है, बहुत सही बात है, अपन ने मान लिया, तो 2 नहीं ना, यहाँ पे 2
आ सकता था। और यहाँ पे 3 तक का भी तो अपन ले सकते थे ना, कि हो सकता है अपन ये वाला फिर मेथड ही फॉलो ना करें, अपन ये वाला मेथड फॉलो कर ले जैसे अपना आंसर 3 आ जाए। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो अपने कितना आता, बोला 3। सही है, हाँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। बोला बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। और उसके अपन ने अप्रोच में बहुत इजीली बिल्ड कर दिया। अप्रोच में क्या ही था, मतलब बस अपने को हर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैक्सिमम जो है उसको मेंटेन करके चलना था, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ बोला हो गया, बोला ओके, बस इतना सा क्वेश्चन था अगला। एक्जैक्टली देखो यहाँ पे, देखो अपन ने क्या किया कि जो नम्स नाम का जो एरिया है ना, या फिर कुछ भी बोल रहे इसको, इसको अपन ने इसकी जो साइज है वो एन में ले लिया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला एक डीपी बनाया, बोला कुछ भी नहीं उसमें, वही अपन मैक्सिमम स्टोर करा के चलेंगे कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना मैक्सिमम कितना हो रहा है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें अपन ने क्या किया कि इनिशियल जीरो वैल्यू के लिए अपन ने 0 ले लिया, छोड़ दो उसको, ठीक है। ठीक है अब भाई, देखो ये जो फोर लूप है ना, वो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया, आई प्लस 2 1 से, मतलब इस इंडेक्स से। बोले इस इंडेक्स को स्टार्ट करने का रीजन, बोले यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो अपने को पता था कि 1 ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपेरिजन बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। बोला नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाए, बोला एंड तक, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला एक इंटीजर बनाया पिक नाम का, और इसमें क्या बोला, बोला नम्स के आई की वैल्यू डाल दी, मतलब 2, ठीक है, कोई दिक्कत। बोला नहीं, अच्छा ये बताओ क्या ये ग्रेटर देन 1 है क्या, बोले ग्रेटर देन 1 क्यों चेक किया है, बोला यहाँ पे नहीं है ना, बोला नहीं तो छोड़ दो इसको, अभी इसके अंदर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। फिर अपने क्या बोला, बोला जी डीपी ऑफ जो आई था ना, मतलब ये वाला जो इंडेक्स था ना डीपी में, ठीक है, वहां पे क्या स्टोर कराओ, बोला मैक्सिमम स्टोर कराओ किसका, पिक का, पिक क्या है, बोला यहाँ ये वाली वैल्यू, और बोला डीपी में आई -1 क्या है, बोला यहाँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों में अपने स्टोर करा दिया मैक्सिमम, तो बोला मैक्सिमम क्या है, बोला 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, सही बात है, हाँ तो अपन इस इंडेक्स पे आ चुके हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वापस अब अपन ने पिक के अंदर क्या ले लिया, बोला 3 ले लिया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या बोला, बोला ग्रेटर देन 1 हो गया आई की वैल्यू, बोला हाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने इस वाले इंडेक्स को भी ले पाए, समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिव का एडिशन करवा पाए ना, इसलिए अपन ने ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन ली थी। बोला समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अपन ने 3 के अंदर इसको भी एड ऑन करा दिया, बोला क्या हो गया 4, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब इस प्लेस पे अपन क्या स्टोर कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे जो एडिशन हो क्या है वो, यानी कि 4, और ये जो इसके जस्ट प्रीवियस वाली वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो अपन स्टोर कर पाएंगे। बोला ठीक है, बस सिमिलरली अपन ऐसे लास्ट तक ट्रैवल करेंगे, और जो भी अपने वैल्यू आएगी लास्ट में, ठीक है, वो अपन रिटर्न करवा देंगे। बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ऑल यार सेंड डी आर देर को सबमिट करके अपन देख चुके हैं, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।